नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और खबर सीधे सीधे आपके उन सवालों से जुड़ी हुई है जो आप सुबह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे पास लॉकडाउन को लेकर क्वेरीज आ रही थी, फोन आ रहे थे, तो अब जो इंतजार है वो की घड़ियां थी वो खत्म हो गई। और आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें और ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो नई गाइडलाइन से रूबरू हो सके। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक विभाग का जो DPR का पेज चलाया जाता है उस पर नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड कर दी गई है और उसमें बता दिया गया है कि लॉकडाउन की पाबंदियां जो है वो 31 मई तक जो है वो जारी रहेंगी। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इस खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि इस लॉकडाउन में सरकार ने बड़ी राहत दी है, बड़ी राहत दुकानदारों को दी है और खास तौर पर यह खबर सीधे छोटे व्यापारियों से भी जुड़ी हुई है। सरकार के जो ऑर्डर्स आए हैं वो सीधे सीधे छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे ताल्लुक रखते हैं। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि हर कोई, बड़ा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार हो या बड़े से छोटे व्यापारी हो, आम से लेकर खास हो, हर कोई खबर से रूबरू हो सके, उनके लिए ये खबर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर मैं जानकारी रिपीट कर देता हूँ कि हरियाणा में लॉकडाउन को जो है वो एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में अब 31 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। साहिल, प्रवीण, कार्तिक जी, आप लोग लगातार कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं, खबर को शेयर भी कर दीजिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अकेले में बनी हुई दुकानें यानी के जो दुकानें भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं है, कहीं कोई ऐसी दुकान है जिसके आसपास कोई लंबी चौड़ी मार्केट नहीं है, कोई अन्य दुकान नहीं है, वो पूरा दिन खुली रखी जा सकती है। तो ये इस लॉकडाउन में बड़ी छूट दी गई है। जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बड़ी छूट जो है वो हरियाणा में अब लॉकडाउन में ये दे दी गई है कि जो दुकानें अकेले में बनी हुई हैं, जिन दुकानों के आसपास कोई मार्केट नहीं है, कोई और दुकान नहीं है, कोई और अन्य व्यवसाय नहीं है, वो पूरे दिन खुली रह सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो अन्य बाजारों की दुकानें हैं उनकी टाइमिंग को लेकर भी आदेश जो है वो जल्द ही हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। लेकिन अभी अपडेट यही निकल कर सामने आ रही है कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है उसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो हरियाणा में एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 31 मई तक हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उसमें बड़ी राहत दुकानदारों को सरकार ने देने का फैसला लिया है। दुकानदारों को राहत सरकार ने यह दी है कि जो दुकानें अकेले में बनी हुई हैं, एक ऐसे इलाकों में बनी हुई हैं जहां पर कोई ज्यादा मार्केट नहीं है, भीड़भाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, किसी गली मोहल्ले की दुकान का आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो दुकानें पूरा दिन खुल सकती हैं। और ताजा जो अभी अभी अपडेट मेरे पास पहुंच रही है तो उसमें यह भी जानकारी दी जा रही है कि लोकल जो अथॉरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं अंतिम फैसला जरूर लेंगी, लेकिन जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उन ऑर्डरों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य दुकानें जो है वो लेफ्ट और राइट के हिसाब से, ऑड और इवन के हिसाब से 9 से लेकर 12 बजे तक खोलने की छूट जो है वो भी कहीं ना कहीं देने की, 7 से लेकर 12 बजे तक खोलने की इजाजत भी कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में दी गई है। तो ढील जो है वो अब दी जानी शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं, सभी से गुजारिश, खबर को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि इस लॉकडाउन में सरकार ने दुकानदारों को बड़ी राहत वहां से बनवाए। देखिए, दुकान बनाने की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा गुजारिश की समझदारी का परिचय जरूर देना चाहिए कि स्पेशल दुकान बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जिनके ऑलरेडी दुकानें ऐसी जगह पर बनी हुई हैं, हम बात ग्रामीण क्षेत्रों की कर रहे हैं, हम बात कॉलोनियों की कर रहे हैं, कहीं गलियां, कहीं मोहल्ले ऐसे होते हैं जहां पर पूरी गली कॉलोनी में एक ही दुकान होती है, तो वो पूरा दिन खोल सकते हैं। गांधी साहब, आपको स्पेशल दुकान बनाने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी, प्रमोद जी कमेंट्स के जरिए, योगेश जी, आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं, आपसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभिषेक जी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो
फिलहाल पूर्ण रूप से नहीं खुल पाएंगे क्योंकि सरकार ने ऑर्डर्स यही दिए हैं कि अकेले में बनी हुई शॉप्स जो हैं अलोन है, इसी ऑर्डर में मेंशन किया गया है, अकेले में बनी हुई दुकानें जो हैं वो आप पूरा दिन खोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको नाइट कर्फ्यू के नियम की पालना करनी होगी। लेकिन अगर नॉर्मल हम मार्केट की बात करें, दुकानों की बात करें, तो उसमें 7 से लेकर 12 बजे तक की छूट जो है वो सरकार ने दे दी है, लेकिन वहां पर भी ऑड इवन और या फिर यूं कहें कि लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा। तो ये अगले लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दुकानदारों के लिए दी है। लगातार अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से भी दुकानदारों की आवाज हम उठाते आ रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, दुकानदार हैं, उनकी डिमांड पूरी होती हुई नजर आई है, और कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है उसने अपना असर सरकार पर दिखाया है, और अब सरकार ने उन लोगों की मांग जो है वो स्वीकार करते हुए अब जो लॉकडाउन बढ़ाया है। दर्शक अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि लॉकडाउन जो है वो अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, अगले 7 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। योगेश मल्होत्रा जी, शॉप्स का ही हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि लॉकडाउन 31 तक बढ़ा दिया गया है। और योगेश जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दुकानें अकेले में बनी हुई हैं, आप गली मोहल्ले का, किसी ग्रामीण इलाके का या फिर कॉलोनीज जो है उनका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आसपास आपके कोई और पूरी मार्केट नहीं है, इलाके में सिर्फ एक ही दुकान है, कोई भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप जगह नहीं है, तो अगर आपकी दुकान अकेले में है तो आप उसे पूरा दिन खोल सकते हैं। जो ऑर्डर है उसमें मेंशन किया गया है कि शॉप्स विच आर अलोन, तो वहां पूरे दिन खुली रह सकती हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू के नियम का पालन करना होगा। उसके बाद अगर हम मार्केट की बात करें, अन्य दुकानों की बात करें, तो उसमें जो छूट है वो 7 से लेकर 12 बजे तक की दी गई है, लेकिन वो भी लेफ्ट और राइट या फिर ऑड और इवन के फॉर्मूले के साथ खुलती हुई नजर आएंगी। ये आपकी लोकल जो प्रशासन है, लोकल अथॉरिटीज हैं, डीसी हैं, वो एसडीएम है, वो तय करेंगे कि लेफ्ट और राइट करना है या ऑड इवन करना है, किस हिसाब से आदेश जो है वो जिले में लागू करवाने। तो अगर अंबाला जिले में कुछ स्पेशल आदेश आते हैं वो भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि खबर सीधे आम से लेकर खास तक से जुड़ी हुई है, आपसे हमसे सीधी जुड़ी हुई है, और खबर महामारी से जुड़ी हुई है। और इस बार भी कहीं ना कहीं महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इस लॉकडाउन एक्सटेंशन को नाम दिया गया है, और लॉकडाउन जो है वो हरियाणा में अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन में पाबंदियों के साथ साथ सरकार ने बड़ी राहत छोटे दुकानदारों को दी है, बड़ी राहत जो गरीब तबका है उन्हें दी है, और आदेश जो है वो एक बार फिर मैं रिपीट, वो दुकानें जो हैं वो पूरा दिन खुली रह सकती हैं। बकायदा उन लोगों को अपना जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन करना होगा। मनप्रीत सिंह बाजवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं आप, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जगजीत जी, बिल्कुल लॉकडाउन 31 तक बढ़ा दिया गया है। अभिषेक जी, 7 से 12 आप जोक की तरह ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपना नजरिया है, लेकिन जिन लोगों को ये छूट मिली है उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर जरूर हो सकती है कि उन्हें 4 से 5 घंटे समय दुकानदारी करने का दे दिया गया है। सतीश जी, फास्ट फूड को लेकर अभी तक कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए हैं, लेकिन रेहड़ियो की अगर हम बात करें तो वो हमने देखा है कि अभी भी शहर में लग रही है, तो कहीं ना कहीं मेंशन इन ऑर्डर्स में अभी तक फास्ट फूड का नहीं किया गया है। धर्मवीर सैनी जी, होटल्स जो हैं वो फिलहाल जिस तरह से अपनी होम डिलीवरी 9:30 बजे तक रात के कर रहे थे, उसी तरह होटल और रेस्टोरेंट जो है वो होम डिलीवरी करते रहेंगे। मनप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, खबर को सराह रहे हैं। और भोला वीज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। प्रिंस जी, डीपी सोडी जी, लगातार आप कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मनकरण संधु जी, जिम खुलने को लेकर अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई भी ऑर्डर्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। कपड़ा मार्केट यश राणा जी, ओपन होगी या नहीं, तो वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सरकार ने ऑर्डर्स जारी किए हैं, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में सरकार ने कहा है कि जो शॉप स्टैंड्स अलोन, यानी कि जो शॉप अकेली बनी हुई है, इलाके में कोई और शॉप नहीं है, गली मोहल्ले कॉलोनी में, गांव में, आसपास के इलाके में कोई शॉप नहीं है, वो पूरा दिन खुली हो रह सकती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का उसमें ख्याल रखना होगा। और अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में सरकार ने 7 से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुलने के जो परमिशन है वो दे दी है, यानी कि ढील जो है इस लॉकडाउन में दी गई है। आप इसे एक तरह से अनलॉक पार्ट 1 की तरह भी देख सकते हैं कि सरकार छूट देने पर आ गई है, बशर्ते आप लोग सावधानी पूरी बरतते रहिएगा। तो 7 से 12 बजे तक मार्केट खुली रखने के
कई ऑर्डर्स जो है, परमिशन जो है सरकार ने दी है, लेकिन ये लोकल एडमिन तय करेगा कि लेफ्ट राइट के हिसाब से या फिर ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। तो खबर बेहद ज्यादा बड़ी आपको हरियाणा की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं संदीप कुमार जी। रेडियो को लेकर ऑर्डर्स में कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, रेडियो का जिक्र ऑर्डर्स में नहीं किया गया है। साहिल जी, क्लॉथ मार्केट को लेकर भी हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो 7 से 12 बजे तक खुलने की बात ऑर्डर्स में कही गई है। साथ ही लोकल जो जिला उपायुक्त हैं, डीसी जो हैं, वो तय करेंगे कि लेफ्ट राइट और ऑड इवन किस हिसाब से दुकानें जो हैं वो खुली रखी जाएंगी। तो बड़ी खबर अंबाला से जुड़ी हुई, हरियाणा से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि मनु जी कमेंट के जरिए आप जुड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं हम मार्केट सामान लेने सुबह 7 या 8 बजे जाएंगे। बिल्कुल देखिए, जो समय आपको सूट करेगा आप उस वक्त जा सकते हैं, और हमारी आपसे गुजारिश यही होगी अगर बेहद ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों में ही रहिएगा, क्योंकि ग्राफ कोरोना का घटने लगा है, गिरने लगा है। ऐसे में संयम और जिम्मेदारी जो है वो बरतनी ज़रूर होगी। दिनेश जी, होटल को लेकर बार बार रिपीट कर रहे हैं हम कि होटल इंडस्ट्री जो है वो पहले की तरह ही ऑर्डर्स उनके लिए भी जारी रहेंगे कि आप लोग बिठाकर किसी को नहीं खिला सकते खाना अपने होटल के जो रेस्टोरेंट एरिया होता है, या नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें, होम डिलीवरी आप रात के 9:30 बजे तक कर सकते हैं। नितिन सैनी जी कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अश्विनी कालरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आकर्षण जी, कपड़ा मार्केट को लेकर बार बार हम काफ़ी रिपीट कर चुके हैं, तो ऑर्डर्स मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। काफ़ी दर्शक जो अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए दोबारा हम बता देते हैं कि हरियाणा सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया है। 31 मई तक सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। तो सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत सरकार ने लॉकडाउन जो है वो अभी 31 तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस लॉकडाउन में यानी कि कल से लेकर 31 तक जो लॉकडाउन का अगला फेज शुरू होने जा रहा है, इसमें बड़ी राहत दी है। इसमें बड़ी राहत सरकार ने यह दी है कि दुकानें जो हैं वो कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ खुल सकती हैं। जो दुकानें अकेले में बनी हुई हैं, जिनके आसपास कोई भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, जिनके आसपास कोई मार्केट नहीं है, जो दुकानें बिल्कुल इलाके में अकेली हैं, वो दुकानें पूरा दिन खुली रह सकती हैं, उन्हें नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। लेकिन अगर बात हम मार्केट की करें, लगातार लोग कपड़ा मार्केट की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, कपड़ा मार्केट की अगर हम बात करें, या फिर अन्य शहर हो या गाँव हो या अन्य कोई भी जगह हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, अलग अलग शॉपिंग के जो भी काउंटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनको लेकर सरकार ने कहा है कि 7 से लेकर 12 बजे तक आप लोग दुकान खोल सकते हैं, लेकिन वो भी लेफ्ट राइट या फिर ओड इवन जो भी है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तय करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं आपको। और मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स के जरिए लगातार आप जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर पूछ रहे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो टाइमिंग है, अंबाला की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो अंबाला प्रशासन ने डेयरी प्रोडक्ट की टाइमिंग जो है वो पहले से ही तय की गई है। सुबह की टाइमिंग्स भी दे रखी हैं, शाम की टाइमिंग्स भी दे रखी हैं। तो लगातार जो अभी तक जिस ऑर्डर्स की, इन ऑर्डर में जिस चीज की मेंशन जो चीज नहीं की गई है, तो आप लोग ये मानकर चलिए उन पर पुराना नियम ही जो है वो लागू रहेगा। जयकेश जिमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट विजय वालिया जी, गारमेंट शॉप्स जो हैं उनके लिए भी ऑर्डर्स सेम है कि 7 से 12 बजे तक दुकान खोली जा सकती है, लेकिन उस दुकान को लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले के हिसाब से कहीं ना कहीं पालन करना होगा। और इवन जो भी अंबाला का लोकल एडमिन जो है वो बताएंगे कि आप लोगों को क्या कुछ करना है। डीपीजी देखिए, मूवमेंट पास जो है वो अगर हम ओवरऑल अदर स्टेट्स में जाने की बात करें, तो मूवमेंट पास की नीड जो है वो अब नहीं रही है। कहीं को पिछले सप्ताह ही ये ऑर्डर आए थे कि अगर आपको एक से दूसरे स्टेट जाना है तो मूवमेंट पास की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोकल की बात करें, लोकल अंबाला में आने जाने की कहीं बात करें, तो पिछले जो ऑर्डर्स थे उनमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर आपको घर से बाहर भी निकलना है तो आप मूवमेंट पास लेंगे। हालांकि नियमों की पालना अंबाला में किस तरह से हो रही है, ये खबर हम लगातार प्रशासन के संज्ञान में भी लाते रहे हैं। लगातार लोगों को भी हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना को जिसने नजदीक से देखा है वही इसका दर्द जानते हैं। सुरेंद्र जी, ओड इवन लेफ्ट राइट, बिल्कुल जो लोकल एडमिन तय करेगी वही जो है डिसीजन फाइनल होगा। जगदीप जी, आप शराब के ठेकों की बात कर रहे हैं, तो शराब को लेकर भी ऑर्डर्स अभी नहीं एंड कर दिया गया है। रोजी शर्मा जी, मार्केट खुलने के टाइम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपकी दुकान, आपका व्यवसाय बिल्कुल अकेले इलाके में बना हुआ है, ऐसी जगह बना हुआ है जहां आपके पास आसपास कोई और दुकान नहीं है, तो आप अपनी दुकान, अपनी मार्केट खोल सकते हैं, लेकिन
अगर आपकी दुकान बाजार में है या नॉर्मल मैं मार्केट की बात करूं तो उसे 7 से लेकर 12 बजे तक खोलने की परमिशन जो है वो सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर दी है सरकार ने कि 7 से लेकर 12 बजे तक आप अपनी मार्केट खोल दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको लेफ्ट और राइट जो भी आपका लोकल एडमिन जो है वो तय करेगा कि लेफ्ट और राइट जो है आप किस हिसाब से दुकान खोल सकते हैं, या फिर उसमें ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। अगर मैं अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला में फिलहाल लेफ्ट और राइट का जो फॉर्मूला है वो ही चलता हुआ नजर आ रहा है, और जिम ओपन को लेकर दीपक राणा जी कोई भी गाइडलाइंस अभी तक नहीं दी गई हैं। तो फिलहाल आप यही मानकर चलिएगा कि जिम जो है वो बंद रहेंगे। प्रवेश जी धार्मिक स्थानों को अभी लेकर कोई नई गाइडलाइन इस ऑर्डर में नहीं है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर आदेश यही लागू होते हैं कि जो पिछले ऑर्डर्स हैं वही जारी रहेंगे, लेकिन बात इस ऑर्डर में शॉप्स की जरूर सरकार ने की है, शॉप्स को बड़ी राहत सरकार ने जरूर दी है। तो कहीं ना कहीं दुकानें जो हैं वो तय नियमों के अनुसार खुलती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं अम्बाला से, हरियाणा से जुड़ी हुई, कि सीधे तौर पर सरकार ने लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक बढ़ा दिया है, और इस लॉकडाउन में छूट भी जो है वो सरकार ने काफी हद तक दी है। सरकार ने साफ शब्दों में ये कहा है कि दुकानें जो हैं वो तय पाबंदियों के साथ नियमों के साथ खोली जा सकती हैं। सुमित जी, गौरव जी, अश्विनी जी लगातार कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, इंस्टीट्यूट को लेकर कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, सैलून को लेकर अलग से मेंशन नहीं किया गया है, उसी के लिए हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि अम्बाला का प्रशासन क्या तय करता है। अब उन ऑर्डर्स का इंतजार हमें है, वो ऑर्डर जैसे ही आएंगे वो लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अगर आपकी दुकान, साधारण शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपके गली मोहल्ले कॉलोनी में कोई इकलौती दुकान बनी हुई है, उसके आसपास अन्य कोई भी दुकान नहीं है, चाहे वो किसी भी सामान की दुकान हो, तो वो दुकान खुली हो सकती है, वो दुकान सुबह से लेकर शाम तक खोली जा सकती है, बशर्ते वो दुकान इलाके में अकेली दुकान होनी चाहिए, आसपास और कोई मार्केट नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात, अगर दूसरे पॉइंट के ऑर्डर्स में हम बात करें तो दूसरा पॉइंट जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि मार्केट जो है, अन्य शॉप्स जो है, नॉर्मल बनी हुई शॉप्स जो है, अगर वो खोलनी है तो वो अंतिम निर्णय प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो लेगा। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि 7 से लेकर 12 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें भी लेफ्ट या राइट या फिर ऑड और इवन का फॉर्मूला जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। अम्बाला की अगर मैं बात करूं तो अम्बाला में लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला पिछले लॉकडाउन से ही चलता आ रहा है, इस लॉकडाउन में भी अभी तक लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला जो है वो करियाना शॉप्स पर भी अप्लाई किया गया है। तो अगर कल से दुकानें जिस तरह से खोलने को लेकर हम अभी ये कयास ही लगा सकते हैं कि अम्बाला प्रशासन फिलहाल लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला जो है उसी को अडॉप्ट करेगा, और दुकानें जो है 7 से 12 बजे तक खुलने की टाइमिंग जो है वो दी गई है सरकार की तरफ से। समीर प्राशर जी, सदर बाजार हो या अम्बाला छावनी की कपड़ा मार्केट हो या कोई भी अन्य गांधी मार्केट हो, किसी भी तरह का कोई भी बाजार हो, उसको लेकर सरकार ने यही कहा है कि 7 से 12 बजे तक दुकान खुलेगी, और दुकान खुलेगी जो वो लेफ्ट या राइट या फिर ओड और इवन के हिसाब से खुलती हुई नजर आएगी। तो अगर आप एक एक मार्केट का पूछेंगे तो उसमें मार्केट के सरकार ने ऑर्डर जो है वो पूरे हरियाणा के लिए जारी किए हैं, उसमें सिर्फ अम्बाला की बात नहीं की गई है, तो पूरे हरियाणा के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं कि जो दुकानें अकेले में बनी हुई हैं वो पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकती हैं, जिनके आसपास कोई और दुकान नहीं है वो पूरे दिन के लिए खोल सकते हैं आप। उसके अलावा अगर मार्केट की आप बात पूछ रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं, कोई मोबाइल का पूछ रहा है, सीएससी सेंटर कपड़ा मार्केट को लेकर हम पहले ही कई दफा रिपीट कर चुके हैं विकास जी और सोनू जी, तो अन्य जो मार्केट हैं सिवाय अकेली जो मार्केट, जो दुकानें गली मोहल्ले कॉलोनियों में ऐसी जगह पर बनी हुई हैं जिनके आसपास और कोई दुकान नहीं है, वो पूरा दिन खुल सकती हैं। लेकिन अगर पूरी मार्केट की हम बात करें तो पूरी मार्केट सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक, रिपीट मैं कर रहा हूं कि मार्केट में, चाहे वो कपड़ा मार्केट है, चाहे वो छावनी की कोई भी मार्केट है, या अन्य आसपास के अम्बाला के हरियाणा के इलाकों की कोई भी मार्केट है, अगर वो खुलेगी तो सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक खुलेगी, और आपके जिले का जो भी प्रशासन है, चाहे वो एसडीएम है या डीसी है, आपके डीसी जो भी ऑर्डर लेंगे उसके हिसाब से वो दुकान खुलेगी। उसमें सरकार ने एक ऑप्शन जरूर दिया है कि दुकानें लेफ्ट और राइट के हिसाब से या फिर ऑड और इवन फॉर्मूले के हिसाब से खोली जाएंगी। तो उसमें आप चाहे किसी भी मार्केट को ले लीजिए, चाहे दीपक जी बस स्टैंड की मार्केट हो, चाहे वो बाजारों की मार्केट हो, हम सभी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल किसी भी ऐसा मेंशन नहीं है ऑर्डर में कि बस स्टैंड की मार्केट अलग है, शहर के अंदर की मार्केट अलग है, गांव की मार्केट अलग है, ऐसा ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा गया। ऑर्डर में साफ साफ ये कहा गया है और जानकारी हम भी लगातार दे रहे हैं। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा साथ साथ। और खबर ये है कि अगर दुकान अकेले इलाके में बनी हुई है, किसी ऐसे इलाके में बनी हुई है जहां पर दुकान के आसपास कोई और व्यवसाय नहीं है, कोई और दुकान नहीं है, तो वो दुकान पूरी दिन आप खोल सकते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू का पालन आपको करना होगा। लेकिन अगर पूरी मार्केट की मैं बात करूं, इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स, कपड़ा मार्केट, मोबाइल शॉप्स या अन्य जिस तरह का भी कोई व्यवसाय है, सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेके, होटल रेस्टोरेंट छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, उनको लेकर ऑर्डर्स में यह लिखा गया है कि दुकानें जो हैं वो सुबह 7 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं, लेकिन वो भी लेफ्ट और राइट और उसके साथ साथ ओड या इवन फॉर्मूले के साथ। लेफ्ट और राइट, ओड या इवन, ये आपका लोकल जो एडमिन है वो तय करेगा। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। दीपक जी, ढाबे की बात लगातार रिपीट है मैं कर रहा हूं कि होटल रेस्टोरेंट ढाबे जो हैं वो पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ फिलहाल होम डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पैकिंग जो है अभी तक जिस तरह से चल रही थी वो फिलहाल चलती रह सकती है। लवली जी, फैक्ट्रीज को लेकर कोई इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं आया है, इंडस्ट्रीज को लेकर कोई ऑर्डर इंडिविजुअल नहीं आया है, फैक्ट्रियों में क्या कुछ ऑर्डर रहेंगे उसको लेकर कुछ भी अभी सरकार की नोटिफिकेशन सामने नहीं आई है। हालांकि अम्बाला एडमिन की जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो जरूर आपको बता दी जाएगी। सोनू कुमार जी, कपड़ा मार्केट का हम पहले ही कई दफा रिपीट कर चुके हैं। गौरव अरोड़ा जी, कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। सोनू जी, आपकी गुजारिश पर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि बात सिर्फ हम कपड़ा मार्केट की ना करें, अगर हम पूरे अम्बाला शहर, पूरे हरियाणा की बात करें, तो वो मार्केट चाहे कहीं पर भी हो, वो मार्केट की दुकानें 7 से लेकर 12 बजे तक खुली रह सकती हैं, लेकिन शर्त उसमें ये है कि वो दुकानें लेफ्ट और राइट या फिर ओड या इवन फार्मूले के तहत खुलेंगी। सरकार ने बड़ी राहत इस लॉकडाउन में ये दी है कि दुकानें 7 से लेकर 12 बजे तक आप खोल सकते हैं अगर मार्केट की हम बात करें, लेकिन उसमें भी लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला जो है वो अपनाना होगा। उसके बाद अगर दुकानें ऐसी जो ग्रामीण इलाके में है, किसी गली मोहल्ले में अकेली दुकान उस इलाके में बनी हुई है, वो पूरा दिन खुली रह सकती है। गगन जोशी जी, अब अगर इसी तरह से आप लोग एक एक मार्केट, एक एक गली मोहल्ले का पूछेंगे तो शायद अम्बाला प्रशासन भी जो ऑर्डर्स जारी करेगा वो ऑर्डर्स इतने पेज के होंगे कि हम पढ़कर वो सुना पाएंगे ना ही आप समझ पाएंगे। तो हम कुल मिलाकर पूरे हरियाणा की, पूरे अम्बाला की बात कर रहे हैं, तो इसमें जंडली, लाल कुर्ती, मॉडल टाउन, प्रेम नगर, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सभी पूरे हरियाणा को लेकर सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद जो लोकल अम्बाला प्रशासन, या अगर मैं देसी सरल भाषा में आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप अंबाला जिले के रहने वाले हैं, तो आपके डीसी जो ऑर्डर जारी करेंगे वो आपके जिले में मान्य होंगे। अगर आप करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत के रहने वाले हैं तो वहां के जो डीसी हैं वो जो ऑर्डर जारी करेंगे वो मान्य होंगे। इंडिविजुअली अगर आप सोचेंगे कि एक गली मोहल्ले के लिए कुछ अलग ऑर्डर आएंगे तो वो बात ना प्रशासन के लिए पॉसिबल है ना सरकार के लिए। तो फिलहाल हरियाणा की पूरे की हम बात कर रहे हैं, आपका अंबाला उसी में शामिल है और उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर जो है वो सरकार ने जारी कर दिए हैं कि लॉकडाउन हरियाणा में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, 7 दिन के लिए और हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं। शिवाजी, जिम को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, जिम फिलहाल आप ये मान लीजिए कि पहले के ऑर्डर्स के मुताबिक जिम बंद रहेंगे। और कमेंट्स के जरिए शिवम वालिया जी, सीएससी सेंटर्स जो हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में ही इंक्लूड होंगे, और अगर लेफ्ट और राइट के हिसाब से जिस तरह से भी बात आएगी तो वो खुलते हुए 7 से 12 बजे तक नजर जरूर आ सकते हैं। दीपक जी, अभी अभी रिपीट करके हटे हैं हम, जिम फिलहाल नहीं ऑर्डर में मेंशन की गई है, जिम फिलहाल बंद रहेंगे। बिल्कुल जेडी आहूजा जी, शॉप्स, ऑल काइंड शॉप्स की सीधे तौर पर सरकार ने ऑर्डर में लिखा है, मार्केट की बात करी है, मार्केट जो है वो खुली रह सकती है 7 से 12 बजे तक, बशर्ते जो नियम है लोकल प्रशासन के वो आपको फॉलो करने होंगे। लेफ्ट और राइट या फिर ओड और इवन, इस फॉर्मूले के साथ शॉप्स खुलेंगी। जगदीश जी, लगातार जानकारी हम यही दे रहे हैं कि क्या क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, और 7 से 12 की टाइमिंग जो है वो शॉप्स की कर दी गई है, लेकिन लेफ्ट और राइट जरूर इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार सुबह से दर्शकों के फोन आ रहे थे लॉकडाउन को लेकर, और लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर अब यही सामने आ रही है कि हरियाणा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए, उनसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। राज राजपूत जी,
फुटबॉल चौक की मार्केट जो है वो अंबाला में ही पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। हम पूरे अंबाला हरियाणा के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर आप ये मान लीजिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि क्या ऑर्डर्स आए हैं, क्या सरकार ने आज फैसला जारी किया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन जो है वो और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी 31 मई तक हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं कुछ राहत दुकानदारों को सरकार ने इस लॉकडाउन में अगले चरण में दी है। वो राहत क्या है वो पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सरकार ने जो राहत दी है वो उन दुकानदारों को दी है जिनकी दुकानें चाहे किसी भी एरिया में है, वो अकेली दुकान उस एरिया में है। यहां पर जरा गौर से सुनने की भी आपको जरूरत है कि अगर आपकी दुकान ऐसे इलाके में है जहां पर आपकी दुकान के आसपास अन्य कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी मार्केट नहीं है, कोई भी अदर ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो आप अपनी दुकान पूरा दिन खुले रख सकते हैं, बशर्ते आपको नाइट कर्फ्यू के नियम का जरूर पालन करना होगा। अब जो ऑर्डर आए हैं उसके दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पॉइंट में सभी मार्केट्स की बात उसमें की गई है, फिर चाहे वो शहर के किसी भी इलाके की मार्केट हो। यहां पर सरकार ने ऑर्डर पूरे हरियाणा के लिए जारी किए हैं। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर हम आपको अंबाला की जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ने जो ऑर्डर जारी किए हैं उसमें पूरे हरियाणा की बात की है और उसमें सभी तरह की जो शॉप्स हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि शराब के ठेके, होटल, रेस्टोरेंट जो हैं, ये इंडस्ट्रीज जो हैं, इनका जिक्र ऑर्डर्स में नहीं किया गया है। जिम्स का ऑर्डर जो है वो नहीं किया गया है अभी तक जारी। तो जो अन्य मार्केट की दुकानें हैं वो 7 से लेकर 12 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन उसमें जो है लोकल एडमिन तय करेगा कि वो दुकान ओड इवन फॉर्मूले के साथ खोलनी है या फिर लेफ्ट और राइट के हिसाब से खोलनी है। तो जो 4 से 5 घंटे की राहत जो है सरकार ने जरूर दी है। तो बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई अब आपको दे रहे हैं, अंबाला से जुड़ी हुई कि हरियाणा में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके साथ साथ जो राहत है वो दी गई है। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद पोस्ट शेयर करने के लिए। पोस्ट शेयर की अपील करने का हमारा बस इतना सा ही मकसद होता है कि जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सत्यव्रत जी, ब्यूटी पार्लर को लेकर अभी तक कोई इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं आया है, बात मार्केट्स की हो रही है, शॉप्स की हो रही है, तो लेफ्ट और राइट के हिसाब से अंबाला का प्रशासन क्या ऑर्डर जारी करेगा वो जरूर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन अभी तक इंडिविजुअल कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया है जिसमें अलग से शराब के ठेकों की बात की गई हो, जिसमें अलग से ये बात की गई हो कि सैलून खुलेंगे या क्या क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, ऐसे इंडिविजुअल ऑर्डर्स कहीं पर भी जारी नहीं किए गए हैं। ये ऑर्डर्स जो हैं वो अंबाला का लोकल प्रशासन यानी अंबाला के जो DC हैं वो जारी करेंगे कि आपके इलाके में क्या क्या खुला रहेगा, किस हिसाब से खुला रहेगा। और फिर चाहे वो सैलून हो या कोरियर सर्विस हो, चाहे ऑटोमोबाइल शॉप्स हो या किसी भी तरह की कोई भी सर्विस हो, मार्केट की यहाँ पर कुल मिलाकर सरकार ने बात की है। तो वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने मार्केट खुलने की छूट 7 से 12 बजे तक दे दी है, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई गई है कि मार्केट जो है वो सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक खुली रह सकती है, उसके अलावा मार्केट जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी। लेकिन 7 से 12 बजे तक भी जो दुकानें खुलेंगी वो लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले के हिसाब से खुलती हुई नजर आएंगी। जसमीत जी, रॉन्ग डिसीजन आप बता रहे हैं टाइमिंग का, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अभी हम ये कह सकते हैं कि अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में टाइमिंग जो है वो आने वाले समय में जरूर बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल ऑर्डर्स यही है कि हरियाणा में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। जानकारी जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि हरियाणा में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और मार्केट्स को लेकर ऑर्डर जो है वो सरकार ने स्पष्ट दिए हैं। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश की बात हम यहाँ पर पूरी मार्केट की कर रहे हैं। उसमें आप पूछ रहे हैं कि जंगली इलाके की मार्केट, फुटबॉल चौक की मार्केट, गांधी मार्केट, इस तरह की अलग अलग मार्केट्स के कभी ना तो ऑर्डर्स आए हैं और ना ही आज आएंगे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो पूरे जिले को लेकर आएंगे। अभी जो ऑर्डर आए हैं वो सरकार के ऑर्डर, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार ने मार्केट जो है वो 7 से 12 बजे तक खुलने के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन उसमें भी टाइमिंग जो है वो तय की गई है कि 7 से 12 तक दुकानें खुलेंगी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लेफ्ट राइट या फिर ओड इवन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होगा, उसी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। बलविंदर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद जी धन्यवाद लगातार कमेंट्स के ये जुड़ रहे हैं, और प्रीत जी शॉप्स जो हैं विस्की की आप पूछ रहे हैं यानी कि शराब के ठेकों की आप बात कर रहे हैं, तो शराब के ठेकों को लेकर अभी तक स्पेशली कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है।
तो कहीं ना कहीं अनलॉक की तरफ जो है अब एक बार दोबारा कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर दे रहे हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन में दुकानदारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बड़ी राहत ये दी है कि अगर कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनके आसपास और कोई भी दुकान नहीं है, वो दुकान अकेली अपने इलाके में दुकान है, तो वो पूरा दिन खुली रह सकती है। उसके बाद अगर पूरी मार्केट की हम बात करें तो मार्केट जो है वो सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुली रखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना होगा, या फिर ओड और इवन। ये जो अंतिम डिसीजन है लेफ्ट और राइट का, ओड और इवन का, ये आपका लोकल एडमिन तय करेगा। लेकिन सरकार ने पूरे हरियाणा के लिए ऑर्डर ये दिए हैं कि सुबह 7 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकती हैं। बिल्कुल अमित जी, ऑर्डर जरूर अभी पेंडिंग है। ऑर्डर इस हिसाब से पेंडिंग है कि अंतिम जो निर्णय है वो लोकल एडमिन ने लेना है। अब अगर मैं अंबाला को मेंशन करूं तो अंबाला के डीसी जो है वो बताएंगे कि कल से लेफ्ट और राइट के हिसाब से कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से आदेश जो है वो जारी होंगे, वो भी लेकर जरूर आपके सामने इसी तरह सबसे पहले हाजिर होंगे। और खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत गुजारिश, धन्यवाद आपका। इसी तरह से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की कवरेज को आप लोग सराहते रहिए और हम भी हर एक अपडेट पूरी सटीक जानकारी के साथ आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। और खास तौर पर मेरी गुजारिश लोगों से है कि अगर किसी भी तरह की अफवाह आप तक पहुंचे, आप उसके अफवाह में ना आए, उसके चंगुल में ना फंसे, जब तक वो चीज वेरीफाई ना हो तब तक आप किसी भी तरह की किसी भी सूचना पर यकीन ना करें, क्योंकि इन दिनों बहुत सी खबरें लगातार फैला दी जाती हैं। जिस तरह से कल ही चर्चाएं आ गई थी कि मार्केट सभी बाजार खुलेंगे, टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं होगा, तो ऐसी अफवाहों को ना तो आगे से आगे शेयर कीजिए और ना ही ऐसी अफवाहों पर यकीन करिएगा। और बिल्कुल सही और सटीक खबर लाने के लिए आपका अंबाला ब्रेकिंग न्यूज लगातार प्रयास में रहते हैं। और अब भी अंबाला का लोकल प्रशासन, अंबाला के अंबाला छावनी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, साहा, यानी कि पूरे जिले की अगर मैं बात करूं तो पूरे जिले के लिए अंबाला के डीसी जो भी ऑर्डर्स जारी करेंगे वो भी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके सामने सबसे पहले हाजिर होगा। और फिलहाल एक बार अंत में जानकारी मैं रिपीट कर देता हूं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं कमेंट्स के जरिए वो दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या ऑर्डर्स हैं, करियाना शॉप्स हैं या अदर शॉप्स हैं, उनके लिए क्या है। तो अंत में एक बार फिर जानकारी मैं रिपीट कर देता हूं कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। उसके बाद बात अगर हम दुकानदारों की करें तो दुकानदारों को सरकार ने इस लॉकडाउन में राहत दी है। राहत यह है कि अगर आपकी दुकान कहीं ऐसे क्षेत्र में है, किसी ऐसी गली मोहल्ले कॉलोनी या किसी भी ऐसी जगह पर है जहां उस दुकान के, आपकी दुकान के आसपास कोई और शॉप नहीं है, तो आप अपनी शॉप पूरा दिन खुली रख सकते हैं। लेकिन अगर पूरी नॉर्मल मैं मार्केट की बात करूं, बाजारों की बात करूं, तो वहां पर सरकार ने बड़ी राहत ये दी है कि आप लोग सुबह 7 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपनी दुकान खुली रख सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह होगी कि आपका लोकल प्रशासन तय करेगा कि आप लोगों की दुकान लेफ्ट और राइट या फिर ओड इवन फॉर्मूले के साथ किस हिसाब से खोली जाए। तो खबर हरियाणा से की इस वक्त की सबसे बड़ी दे रहे थे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। अगली जो भी जानकारी होगी, लोकल क्या ऑर्डर आते हैं वो भी लेकर बेजल्द आपके सामने हाजिर होंगे। जैसे ही ऑर्डर आएंगे वो भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे कि अंबाला में क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, किस हिसाब से क्या ऑर्डर्स होंगे। लगातार लोग जिम, सैलून, ढाबा को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो जारी होंगे अंबाला के वो भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन तब तक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि खबर जो है वो हर किसी तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग नए ऑर्डर से वाकिफ हो सके। दुकानदार भाइयों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई, अब दुकानदार भाई जो है वो इन ऑर्डर से वाकिफ हो सके, इन जानकारी से वाकिफ हो सके। इस लाइव कवरेज के बाद तुरंत बाद ही हम ऑर्डर जो है हरियाणा सरकार के, पूरे हरियाणा के लिए, वो भी पोस्ट करेंगे फेसबुक पर अपने पेज पर, ताकि आप लोगों को भी सरलता हो सके समझने में कि क्या कुछ ऑर्डर सरकार ने दिए हैं। फिलहाल अगले ऑर्डर जैसे ही जारी होते हैं तो दोबारा मिलेंगे। और फिलहाल खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।